हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। तो फ्रेंड्स, आज आम यही वीडियो रे डिस्कशन करिबा किछि मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स उपरे। तो फ्रेंड्स, एथि मु नै केसि जनवरी टू सेप्टेम्बर 2020 मध्ये घटितबा किछि मोस्ट इंपोर्टेंट 25 करंट अफेयर्स नै कि आसी। तो फ्रेंड्स, आपन मन आउट ऑफ 25 केते मार्क रखुछन निहाती भाबे कमेंट सेक्शन रे कमेंट करी जणाइबे। ये होछि पार्ट 3, ऑलरेडी दुटी पार्ट डिस्कशन हो सारी। तो आप देखी ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तार लिंक मिल जाए, आप जाए देखिपारे। तो देखो ए 25 क्वेश्चन लेकिन आसी, आपत मार्क रखुन निहाती भाव कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जनइबे। तो यही भिडियोटी आपर ओबीएस एक्जाम इंपोर्टेंट रही है, कहीं आपर ओबीएस एक्जाम नोटिफिकेशन खूब शीघ्र आसीज। तो आप जानते आरआरबी एनटीपीसी एवं ग्रुप डी एक्जाम होगाक डिसेंबर 15 ठार। तो आपड़ोट मोस्ट मोस्ट हेल्पफुल र। तो फ्रेंड्स, जब भिडियो भल लगे निहत गोटे लाइक करेंगे और सेयार करेंगे, सांगसाथी अधिक मात्रा में सेयार करेंगे। ता सहित प्रथम थर जब भिजिट कर चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो देखने आज क्वेश्चन, तो प्रथम क्वेश्चन रही हु ओन द यूएस ओपन वोमेन्स टेनिस टूर्नामेंट 2020। तो 2020 यूएस ओपन महिला वर्गरे टेनिस टूर्नामेंट किए जीति। चार ऑप्शन रही नाओमी ओसाका, विक्टोरिया आजरेंका, सेरेना विलियम्स, नना डेज। तो कौन हम करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका यूएस ओपन वोमेन्स टाइटल 2020 रो विनर। तो ऑप्शन ए हूँ करेक्ट आंसर, जो मैंने ए टिक कर एक मार्क एड करे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु ओन द यूएस ओपन मेन्स टेनिस टूर्नामेंट 2020। तो सेटा वोमेन्स कैटेगोरी थिला, वर्तमान एटा 2020 यूएस ओपन रो मेन्स कैटेगोरी बा पुरुष वर्ग रे टेनिस टूर्नामेंट टाइटल किए विनर अछंती। चार ऑप्शन रही गास्टोन गाइडियो, तापरे डोमिनिक थिएम, राफेल नाडाल, रोजर फेडरर। तो आप करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी, डोमिनिक थिएम। डोमिनिक थिएम होचंती 2020 यूएस ओपन मेन्स कैटेगोरी टूर्नामेंट विनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज ओन द वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020। तो 2020 वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप विनर किए। चार ऑप्शन रही जू ट्रंप, मार्क सेल्बी, मार्क विलियम्स, रनी ओ सलिवान। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी, रनी ओ सलिवान 2020 वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप विनर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु विल स्पॉन्सर टीम इंडिया फॉर टोक्यो ओलंपिक्स। तो देखो टोक्यो ओलंपिक पाई टीम इंडिया रो स्पॉन्सरशिप किए हेब। चार ऑप्शन रही पतंजलि, इंडक्स ग्रुप, टाटा ग्रुप, रिलायंस। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी, इनॉक्स ग्रुप। इनॉक्स ग्रुप होची टोक्यो ओलंपिक्स रे इंडिया पाई स्पॉन्सरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टॉप्स फोर्ब्स लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड स्पोर्ट्स वुमेन। तो देखु रिसेंटली फोर्ब्स द्वारा लिस्ट जारी करा जाएगी हाईएस्ट पेड स्पोर्ट्स वुमेन, माने अधिक कमाई कर महिला खिलाड़ी किए। तो चार ऑप्शन रही साइना नेहवाल, सेरेना विलियम्स, नाओमी ओसाका, नना डेज। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी, सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स होची अमेरिकार टेनिस प्लेयर। तो से महिला हिसाब से अधिका कमाई कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम नंबर वन ऑलराउंडर इन लाटेस्ट आईसीसी टेस्ट रैंकिंग। तो रिसेंटली लाटेस्ट आईसीसी टेस्ट रैंकिंग जारी है, से नंबर वन ऑलराउंडर टेस्ट रे नंबर वन ऑलराउंडर किए। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर, चार ऑप्शन रही जेसन होल्डर, रविंद्र जाडेजा, वेन स्टोक्स, पैट कमिंस। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए, जेसन होल्डर। करेक्ट आंसर होची जेसन होल्डर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन टा मुझे आज कम्युनिटी टैब रे पकई थी, कम्युनिटी टैब रे। तो से बहुत पिला भूल रही, प्राय समस्ते बेन स्टोक्स मारी। तो बेन स्टोक्स थिले जुलाई में, थिले जुलाई जो रैंकिंग जारी होता है से नंबर वन थे, किंतु जो सेप्टेम्बर जारी होती से जेसन होल्डर रही। तो ये मुझे रखुच्छे अगस्ट 25 भितर इंग्लैंड सहित वेस्टइंडीज चली। तो से नंबर वन रैंक को आसी जाती। तो जेसन होल्डर होती नंबर वन, नंबर वन प्लेयर तांकर पॉइंट मध्य रही 447, वेन स्टोक्स हूँ सेकंड पॉइंट 446, आउ रवींद्र जाडेजा हूँ थर्ड पोजिशन रही। आउ जदि आप नंबर वन बोलर टेस्ट रैंकिंग पैट कमिंस होती टेस्ट रैंकिंग रे नंबर वन बोलर, यहाँ मन रखिए बेन स्टोक्स हेनी। आप चेक करेंगे जेसन होल्डर ही करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हु ओन द फर्मुला वन हंगारियन ग्रांड प्रिक्स 2020 2020 हंगारियन ग्रांड प्रिक्स फर्मुला वन रेस को किए जीति ऑप्शन ए चार्ल्स लेक्लेक ऑप्शन बी लेविस हैमिल्टन ऑप्शन सी मैक्स वेरस्टापेन ऑप्शन डी वाल्टेरी बोटास तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी लेविस हैमिल्टन ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स अड्डा साइंड विच एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर तो स्पोर्ट्स अड्डा कंपनी क्या तार ब्रांड एम्बेसडर निजुक्ति करी चार ऑप्शन रही सचिन तेंदुलकर ब्रेडली जसप्रीत बुमरा विराट कोहली तो स्पोर्ट्स अड्डा तार ब्रांड एम्बेसडर बनाई ब्रेडली को ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हु विल रिसीव दिस इयर्स मोहन बागान रत्न अवार्ड तो देखु यही वर्ष माने 2020 रे मोहन बागान रत्न अवार्ड को किए रिसीव करेंगे चार ऑप्शन रही मनप्रीत सिंह गुरबख सिंह हरजोत सिंह बलबीर सिंह तो करेक्ट आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी गुरबख सिंह ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज ओन द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 तो रिसेंटली वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड किए जीति तो करेक्ट आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी रानी रामपाल होती वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड विनर। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द 2019-20 पेन गौरी लंकेश अवार्ड तो 2019-20 वर्ष पाई पेन गौरी लंकेश अवार्ड विनर किए रवीश कुमार अफरोज आलम साहिल यूसुफ जमील दिबांग तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी यूसुफ जमील होचंती 2019-20 वर्ष पे पेन गौरी लंकेश अवार्ड विनर। नेक्स्ट क्वेश्चन विनय मोहन क्वात्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री तो रिसेंटली विनय मोहन क्वात्रा भारतर परवर्ती राष्ट्रदूत रूपे क्यों देश निजुक्ति पाई चार ऑप्शन रही नेपाल बांग्लादेश भूटान श्रीलंका तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए नेपाल भारतर परवर्ती राष्ट्रदूत रूपे निजुक्ति पाई विनय मोहन क्वात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स तो देखु तार शॉर्ट फॉर्म रही आईबीएम र नुआ सीईओ किए निजुक्ति होती चार ऑप्शन रही वेणुगोपाल धूत अरविंद कृष्णा पंकज पटेल ऋषद नारोजी तो आपण मैंने करेक्ट आंसर होची अरविंद कृष्णा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड तो देखो कोल इंडिया लिमिटेड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जहाँ को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर तो कोल इंडिया रो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किए निजुक्ति पाई चार ऑप्शन रही अनिल कुमार चौधरी शशि शंकर प्रमोद अग्रवाल अतुल सोप्ती तो आप करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी प्रमोद अग्रवाल होती कोल इंडिया CMD। नेक्स्ट क्वेश्चन द इंदिरा रसोई योजना इज ए न्यू किचन स्कीम लॉन्च्ड बाय विच स्टेट तो इंदिरा रसोई योजना गोटे नुआ किचन स्कीमटा यहाँ किए लॉन्च कर राज्य सरकार लॉन्च करी तो करेक्ट आंसर हो चार ऑप्शन रही राजस्थान गुजरात मध्यप्रदेश बिहार तो इंदिरा रसोई योजना को लॉन्च करी राजस्थान सरकार ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ विच बैंक तो देखु पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता रिसेंटली क्यों बैंक MD एवं CEO रूपे निजुक्ति पाई चार ऑप्शन रही इंडियन ओवरसीज बैंक कानरा बैंक इंडियन बैंक आंध्र बैंक तो आप करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए IOB र नुआ MD एवं CEO निजुक्त होती पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द फर्स्ट एवर फीमेल प्लेयर टू बी नेम्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ मेरिलबोन क्रिकेट क्लब तो देखु MCC माने मेरिलबोन क्रिकेट क्लब र प्रथम महिला प्रेसिडेंट रूपे किए नामित होती चार ऑप्शन रही क्लेयर कोनर मार्गरेट पियर कैथरीन मोवाट करेन जोबलिंग
तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए क्लेयर कोनर। तो देखंतु एमसीसी मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब रा प्रथम महिला प्रेसिडेंट रूपे नामित होचंती क्लेयर कोनर। तो वर्तमान अछंती आमर जो सांगाकारा श्रीलंकार जो प्लेयर रही सांगाकारा सांगाकारा वर्तमान चार्जर अच्छा मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब रा प्रेसिडेंट। नेक्स्ट ईयर कोरोना नेक्स्ट ईयर क्लेयर कोनर तार प्रेसिडेंट बनीजे। ये होचंती प्रथम महिला प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच फिल्म एडिटर हैज एंटर द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर फिल्म एडिटेड इन मोस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेज। तो देखंतु निम्नलिखित मध्यरु क्यों फिल्म एडिटर बा क्यों फिल्म संपादकों को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड रे नंबर नाम दर्ज करछंती कौन पे ना माने फिल्म एडिटेड इन मोस्ट लैंग्वेज बेसी माने 14 भाषा रे से फिल्म को एडिटिंग करछंती। तो किए एडिटिंग करछंती देखो चार ऑप्शन रही वीटी विजयन विवेक हर्षन श्रीकर प्रसाद अपूर्वा असरानी। तो आपन करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी श्रीकर प्रसाद। श्रीकर प्रसाद होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन माइकल मियाबाच हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ विच ऑफ दिस कंपनी। तो माइकल मेबाक क्यों कंपनी रो सीईओ रूपे निजुक्ति पाई चार ऑप्शन रही मास्टर कार्ड विसा अमेरिकन एक्सप्रेस सिटी बैंक। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड रो सीईओ होचंती माइकल मेबाक। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनएचपीसी लिमिटेड। एनएचपीसी लिमिटेड रो नुआ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किए निजुक्ति होती चार ऑप्शन रही महेश कुमार मित्तल अभय कुमार सिंह रतीश कुमार निखिल कुमार जैन। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी अभय कुमार सिंह। तो अभय कुमार सिंह होती एनएचपीसी नुआ सीएमडी। तो फ्रेंड्स आउट इंपोर्टेंट पॉइंट कह रखुची आम चैनल रे अधिकांश पिला टीचर ओरिएंटेड सब्सक्राइबर अच्छा। तो मुझे रखुची जो मैंने आप देखुंत आप कई भाई भौणी बा रिलेटेड अच्छा से मैंने जो सीटी बीएड कि बीपीईडी एग्जाम देवा को चाहूँ से एंट्रान्स ऑनलाइन अप्लाय डेट आरंभ हो सारी। तो सीटी बीएड बीएड ऑनलाइन आपण जो अप्लाई करेंगे काली ठार 23 तारीख माने काली ठू आरंभ हो लास्ट डेट रही 10 अक्टोबर 2020। तो आपने अप्लाई आरंभ कर दिंतु। तो फ्रेंड्स जब प्रिपेरेसन करा चाहूँ आम चैनल जोड़ित हूँ सीटी बीएड पे मुझे वीडियो प्रोवाइड करी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्वेश्चन नंबर 21 हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया रो प्रेसिडेंट किए निर्वाचित होती चार ऑप्शन रही सौविक घोष कृष्णा कुमार सिंह राजपाल सिंह राजलक्ष्मी सिंह दो। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी राजलक्ष्मी सिंह दो। तो रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया रो प्रेसिडेंट या पूर्वर मध्य थिले राजलक्ष्मी सिंह दो वर्तमान री इलेक्टेड होचंती पुनर्निर्वाचित होचंती राजलक्ष्मी सिंह दो। नेक्स्ट क्वेश्चन हु एमंग दिस हैज बैग्ड द ESPN's फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो देखो निम्नलिखित मध्य किए ESPN फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड जीति चार ऑप्शन रही पीवी सिंधु सानिया मिर्जा दूती चांद कोनेरु हम्पी। तो करेक्ट आंसर होची आपण मानकर ऑप्शन नंबर ए पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन हु एमंग दिस हैज बीन अवार्डेड विथ EY एंटरप्रेनर ऑफ द ईयर 2019। तो 2019 EY एंटरप्रेनर अवार्ड रे कहा को पुरस्कृत करा जाय छी चार ऑप्शन रही रोशन नाडार नैना लाल किडबाई किरण मजुमदार सा सुधा मूर्ति। तो 2019 EY एंटरप्रेनर अवार्ड रे सम्मानित होइछंती किरण मजुमदार सा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री विल होस्ट 2022 एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ओमेन्स एशिया कप। तो देखंतु AFC ओमेन्स एशिया कप 2022 को केउ देश आयोजित करिवो चार ऑप्शन रही चाइना इंडिया जापान थाईलैंड। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी इंडिया। इंडिया 2022 रे AFC ओमेन्स एशिया कप को आयोजित करिवो। आज लास्ट क्वेश्चन रही विच एमंग दिज हैज ओन द बेस्ट फिल्म अनर एट द 2020 फिल्म फेयर अवार्ड। 2020
2020 रो फिल्म फेयर अवार्ड रे बेस्ट फिल्म सम्मान रे कहाँ को सम्मानित करा जाय छबा बेस्ट फिल्म अवार्ड किए पाइछंती तो करेक्ट आंसर चार ऑप्शन रही गली बॉय करमबीर कबीर सिंह यूरी द सर्जिकल स्ट्राइक स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर तो देखो 2020 रो बेस्ट 2020 रो फिल्म फेयर अवार्ड रे बेस्ट फिल्म रो अवार्ड पाई गली बॉय ऑप्शन नंबर ए हूँ गली बॉय बेस्ट एक्टर पाई रणबीर सिंह बेस्ट एक्टर्स होती आलिया भट्ट तो फ्रेंड्स ये आज टॉप 25 करंट अफेयर्स तो आपते मार्क रखुच्च कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जनइबे जदि भिडियो भल लगी है निहाति गोटे गोटे लाइक करेंगे और अधिकार अधिक कृपया सांगसाथी को शेयर करेंगे। हाँ फ्रेंड्स जब आप सपोर्ट रहे आपने कमेंट सेक्शन लिखुद पार्ट 4 मुझे अपलोड करी तो फ्रेंड्स ये किसी इंपोर्टेंट इनफर्मेशन जब भिडियो भल लगी है निहत गोटे लाइक करेंगे और अधिकार अधिक कृपया सांगसाथी को शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।